हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू माय किचन स्पाइसेस एंड बेक्स मैं शीतल बिरला आज आपके लिए एक फ्यूजन रेसिपी लेके आई हूँ और इस एक रेसिपी से आपको तीन डिश का टेस्ट मिलेगा गार्लिक ब्रेड का ब्रोशाटा का और पिज़्ज़ा का इस ब्रेड को जब मैं खरीद के लाई तो मैंने सोचा नहीं था कि इसका क्या बनाऊंगी बट आई जस्ट बॉट इट एंड देन आई केम अप विद दिस थ्री इन वन डिश आइडिया बहुत टेस्टी और टेम्टिंग डिश बनी है और सबसे अच्छी बात है कि सारी प्रिपरेशन एडवांस में कर सकते हैं और जब बनाना हो तो इसको असेंबल कर सकते हैं इसको मैं सर्व कर रही हूँ सूप के साथ वेजिटेबल हेल्दी सूप है कोई शुगर जैगरी स्वीटनर यूज़ नहीं किया है तो शेयर कर रही हूँ इटालियन ब्रेड पुशाटा विथ हेल्दी सूप ब्रेड काफ़ी बड़ी थी तो मैंने उसके लिए दो डिफरेंट स्प्रेड बनाए हैं और ये वाइट सॉस का स्प्रेड बनाया है वेजिटेबल सॉटे करके डाली हैं और सेम रेसिपी मैंने यूज़ की है जो मेरा प्रीवियस एक वीडियो है कॉर्न एंड स्पिनच ग्रिल चीज़ सैंडविच उसमें मैंने सब्जियों को जिस तरीके से सॉटे किया है जिस तरीके से मैंने वाइट सॉस की मेथड उसमें शेयर की है सेम मेथड से यहाँ पे ये वाइट सॉस बनाया है सब्जियों के साथ उस वीडियो की लिंक मैं एंड में शेयर कर रही हूँ बस इसमें स्पिनच मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है तो ये एक स्प्रेड हो गया सेकंड स्प्रेड टमेटो प्यूरी से बनाया है इसकी मेथड मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा घी या बटर जो चाहिए लीजिए उसमें जिंजर गार्लिक को सॉटे करके अनियन को सॉटे किया और टमेटो प्यूरी डाल दिया मैंने और यहाँ पे वेजिटेबल जो मैंने एक साथ सॉटे करी थी हाफ़ वेजिटेबल मैंने व्हाइट सॉस में यूज़ करी और हाफ वेजिटेबल मैं यहाँ पे टमेटो प्यूरी में अभी डाल रही हूँ साथ में सॉल्ट विनेगर ऑप्शनल है विनेगर और थोड़ी सी शुगर डाल रही हूँ साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ओरेगानो और बेसिल और मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्रेश मिंट पुदीना चॉप करके ले रही हूँ आप फ्रेश बेसिल ले सकते हैं थाइम ले सकते हैं यदि आपको डिल का फ्लेवर पसंद हो तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का फ्लेवर इसमें डालिए ये टमेटो का स्प्रेड तैयार हो गया बनाते हैं सूप तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे घी आप बटर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे तीन टमेटो चॉप करे हैं तीन गाजर है थोड़ी सी ब्रोकली है और जिंजर गार्लिक है और अनियन यदि आप अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और मेरा फेवरेट इन्ग्रेडियंट सूप के लिए जो है वो है एप्पल वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैं इंस्टा पॉट में बना रही हूँ सेम चीज़ आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं जिंजर गार्लिक को सॉटे करा अच्छे से अब उसमें अनियन डाली उसको फ्राई करके यहाँ पे वेजिटेबल डाल रही हूँ आप वेजिटेबल की क्वांटिटी और वेजिटेबल जो आपको चाहिए आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं केल ले सकते हैं कॉलीफ्लावर ले सकते हैं एप्पल की क्वांटिटी भी यहाँ पे दो या तीन आपको जो चाहिए सब्जियाँ अपनी पसंद की यूज़ करिए मैं कोई भी सूप बनाती हूँ लौकी का भी बनाती हूँ तो मेथड सेम होती है गाजर और एप्पल के साथ सिनेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर डाला पाउडर नहीं है आपके पास तो आप स्टिक यानी दालचीनी का एक टुकड़ा आप फ्राई करने में भी डाल सकते हैं सब्जियों को थोड़ा सॉटे किया और पानी डाल के इसको प्रेशर कुक करना है दो तीन विसल लेना है बनाते हैं गार्लिक बटर तो रूम टेम्परेचर पे बटर लिया उसमें डाल रही हूँ औरगानो और बेसिल हर्ब्स रेड चिली फ्लेक्स सॉल्ट और खूब सारी क्रश्ड गार्लिक आपके साथ एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी सी गार्लिक मैं क्रश करके या ग्राइंड कर लीजिए आप और उसको एक छोटे बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ तो एवरीडे की कुकिंग में बहुत हेल्प होती है इसी तरीके से जिंजर को भी मैं ग्राइंड करके और आइस ट्रे में डाल लेती हूँ और जब उसकी क्यूब्स सेट हो जाती हैं तो उसको फिर एक कंटेनर में इस तरीके से डीप फ्रीज़र में रखती हूँ और एक या दो क्यूब्स जो चाहिए तो एक छोटे बॉक्स में वो डेली यूज में फ्रिज में रखती हूँ बहुत हेल्पफुल आइडियाज़ हैं ये भी मैं स्प्रेड कर रही हूँ गार्लिक बटर यदि गार्लिक बटर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हरी चटनी यूज़ कर सकते हैं कैचअप ले सकते हैं और या फिर आपके पास पिज्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस है तो उसको भी लगा सकते हैं बेस पे एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ कि यदि आपने मेरा तवा पनीर बर्गर का वीडियो देखा हो उसमें मैंने तीन डिफरेंट फ्लेवर शेयर किए हैं मेथी मलाई पनीर टेम्पिंग टोफू विथ मिंट और एक पालक पनीर आप इसमें से भी कोई स्प्रेड बना के इस ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं अब स्प्रेड के ऊपर टॉप पे मैं डाल रही हूँ चीज़ मोज़ारेला चीज़ ले रही हूँ अपनी पसंद से क्वांटिटी डालिए जितनी डालना हो और उसके ऊपर डाल रही हूँ हर्ब और चिली फ्लेक्स और टमाटो वाले स्प्रेड के ऊपर मैं ले रही हूँ मिंट इसको 400 हंड्रेड डिग्रीज फेरन हाइट पर प्री हीटेड ओवन में एट मिनट्स के लिए बेक करूँगी और उसके बाद वन एंड हाफ मिनट के लिए इसको ब्रॉयल करना है सूप की सब्जियों को चेक कर लेती हूँ सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई है और वन पॉट डिश है इसी में हैंड ब्लेंडर डाल के मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ यदि आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए और सिनेमन स्टिक यूज़ करी है तो उसको निकालने का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि इस सूप को हमें छानना भी नहीं है डाल रही हूँ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट और क्यूमिन पाउडर सूप बिल्कुल रेडी है यदि आपको ये कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है थोड़ा पतला करना है तो पानी डाल के बॉइल कर लीजिए ब्रेड बेक हो के तैयार है गार्लिक ब्रेड पुराटा या पिज्ज़ा जो भी कहें बहुत ही परफेक्ट बेकिंग हुई है और सर्व कर रही हूँ इसको हेल्थी वेजी सूप के साथ आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ और आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल इस्पाइसिस एंड ब्रेक्स को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि नहीं किया है तो मैंने इसे बेक किया 400 डिग्री डिग्रीज पे 8 मिनट्स के लिए आप इस डिश को ट्राई करें तो कुकिंग टाइमिंग्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आपकी भी ये ब्रेड इसी तरीके से बहुत टेस्टी और बढ़िया बनेगी ट्राई करिए डिश को और कमेंट करके बताइए कि आपने कौन से फ्लेवर का स्प्रेड बनाया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ बाय